वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ रिपल के XRP टोकन के लिए बहुत सारी न्यूज़, कई गुड न्यूज़ भी हैं एंड यस बहुत इंटरेस्टिंग खबरें निकल के सामने आई हैं। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है कल रिसेंट थोड़ा सा बुल रन आया है XRP का, सब बताऊँगा इस वीडियो में। सो ये वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। एंड यस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का पता चलता रहे। अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा ही शुरू करते हैं। आते हैं पहली खबर की बात करें। XRP क्लाइंब्स 10.32% इन बुलिश ट्रेड, investing.com के स्टैट्स हैं। सो अगर हम देखें तो 0.41615 पे ट्रेड कर रहा था एंड थर्सडे को 10.32% से अप था। लार्जेस्ट वन डे परसेंटेज गेन है सिंस 31st of Feb। सो अगर हम देखें तो ऑब्वियसली अच्छा चल रहा है एंड पुल इसने किया है। अगर आपको पता हो कि अपने रिसेंट बुल्स रन के बाद थोड़ा वो हो गया था, स्टेबल सा नहीं हुआ था, नीचे आ गया था, एक दिन -50 आ गया था, बट यस अब इसने फिर से अपना ऊपर किया है। एंड अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो अभी भी ये 7.39% से अप है इन लास्ट 24 आवर्स और अभी ट्रेड कर रहा है एट $0.4294। तो वापस चलते हैं इसमें। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, इसने अपना मार्केट कैप फिर से इंक्रीज़ कर लिया है। हम मैं चार्ट पे लेके जाऊं तो आप इसे देख सकते हैं। कल आपने देखा हो तो XRP नीचे था और पोलकाडॉट ऊपर था, आज XRP फिर से ऊपर है एंड अभी इसकी मार्केट कैप $19 बिलियन हो गई है और इस पोलकाडॉट की $18 बिलियन है। तो हाँ, इन दोनों के बीच में भाई करंटली कॉम्पिटिशन तो पूरा चल रहा है कि भाई कौन सी करेंसी नंबर वन होगी। सो आगे बात करते हैं। ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर निकल के आई है। जहाँ बिटकॉइन और एथेरियम दोनों लॉस में थे वहाँ XRP ऊपर गया। एंड अगली की बात करें, प्राइस फोरकास्ट है कि XRP रिकवरी टू 0.75 ग्रेजुअल बस स्टडी एज ऑन चेन मेट्रिक्स इंप्रूव। अगर आप देख सकते हो जो रिपोर्ट था रिबाउंड 0.35, उससे नीचे नहीं गया, ये ऊपर आ गया। एंड यस अगर ये 0.45 तक पहुंच गया तो ठीक है, अगर तो ये एट द एंड ऑफ द दिन आज के दिन में अगर ये $0.45 तक पहुँच गया जो अपना इसका है सपोर्ट लेवल, अगर ये 0.45 तक पहुंच गया, 42 पे तो है तो ठीक है, नहीं तो रिबाउंड करके $0.30 तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट। सो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। अगली खबर की बात करें, XRP प्राइस एनालिसिस, XRP मस्ट फ्लिप दिस क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर अ मासिव मूव टुवर्ड्स $1। यस, उसको अपना रेजिस्टेंस जो सपोर्ट देखो, अगर आप देख सकते हैं अगर रेजिस्टेंट लेवल 0.45 है, अगर तो 0.45 ब्रेक कर देता है ये, आज आप देख सकते हैं अभी 0.4288 पे ट्रेड कर रहा है, अगर $0.45 ब्रेक कर देता है तो यस देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि अपना गेंस कर सकता है $0.55। और जो इसने अपना अभी रिसेंट हाई $0.75 को अटेन किया था उसको बीट करके उससे भी ऊपर जा सकता है। सो ये हमको ज़रूर देखना पड़ेगा, लेट्स नोट। सो जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको ये बोलूँगा, इसको डालो अपने पोर्टफोलियो में एंड इसको मॉनिटर करते रहो, क्योंकि ये XRP बहुत इंटरेस्टिंग टोकन है और भाई कमाल कर रहा है। अगली खबर की बात करें तो अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें बताया था कि जापान की जो SBI है उसने XRP को क्रिप्टोकरेंसी लेंडिंग सर्विस बना लिया है, जिसमें कि वो इवन अगर आप XRP को स्टोर करते हैं उनकी एक्सचेंज पे तो आपको रिटर्न भी मिलेगा, जिसमें रिटर्न है 0.1% पर एनम पर ईयर। एंड ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए एंड आई डोंट थिंक ये अच्छा है यार कि आपको क्रिप्टोस पे भी इंटरेस्ट मिले। आई एम हैप्पी कि इसको एज एन मतलब सेविंग्स भी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि करेंसी बेसिकली अगर आप देखा जाओ तो अगर जो SEC का रिसेंट उसमें आया था इस पे इसको उन्होंने जो लॉसूट फाइल किया था वो था $1.38 बिलियन की एज अ सिक्योरिटी, बट जो रिपल है उनका कहना ये था कि XRP एक सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट नहीं है, XRP एक क्रिप्टो करेंसी है। सो आई एम हैप्पी कि ये अच्छा हो रहा है और ये एक अच्छी न्यूज़ भी है, जिसमें आप 1000 XRP से लेके 1 लाख XRP तक आप उस पर जमा कर सकते हैं और बढ़िया है, 0.1% एनम आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो XRP कैन ग्रो फास्टर देन मोस्ट ऑफ द पॉपुलर कॉइन्स, ये एक नई थ्योरी निकल के आ रही है, जिसमें आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टॉप 10 कॉइन्स हैव कंटिन्यू टू बी इन बुलिश ट्रेंड, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस मेनली लाइटकॉइन, चेनलिंक एंड बिटकॉइन कैश। अगर हम देखें हाँ, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली लाइटकॉइन, चेनलिंक और बिटकॉइन कैश ये थोड़े नेगेटिव्स में है, बाकी सारी मार्केट पॉजिटिव्स में है। एंड ये कह रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखें एज ऑफ जब ये आर्टिकल लिखे थे $1.13 ट्रिलियन थी, अगर मैं अभी मार्केट कैप की वैल्यू चेक करूँ
तो एक सेकेंड, ये डॉज कॉइन क्यों आ रहा है भाई? एक सेकेंड, डॉज कॉइन दे रहे हैं इनको ना ट्रिलियन। एक सेकेंड, इसके जरूर दिया होगा इसमें मार्केट कैप। टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट, मार्केट वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम 162.75 बिलियन डॉलर्स की है। आप देख सकते हैं इसमें आज उन्होंने उसका डिटेल्स दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि ये डॉज कॉइन भी बड़े ट्रेंड में है जब से एलॉन मस्क सर ने ट्वीट किया था। वो भी खेलते रहते हैं यार, क्या ही कहूँ मैं। चलो नीचे देखें तो, अगर आप देखें तो XRP की मार्केट कैप जब भी आर्टिकल है 0. मार्केट कैप 17 बिलियन डॉलर्स थी और प्राइस 0.38 थी, जिसके अकॉर्डिंगली अब जो मार्केट कैप है वो 20 बिलियन डॉलर्स पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं XRP के लिए, एंड लेट्स सी कि अपना वाइटल जो लेवल है उसको अटेन कर सकता है 0.45 डॉलर्स, एंड हमारा उस पर ज़रूर आई रहेगी क्योंकि 0.43 तो हो गया है। अगर इसने वो अटेन कर लिया तो येस, इट कैन गो अबव 0.55 डॉलर्स भी अकॉर्डिंग टू सम प्रेडिक्शंस। तो ये ज़रूर इसको पोर्टफोलियो में डालें एंड इसको मॉनिटर करते रहें। अगली खबर पे बात करें तो क्रिप्टो सोलर स्लैम्ड विद SEC लॉ सूट। अगर आप देख सकते हैं XRP का तो जैसे उन पे किया था, बट येस XRP टोकन डिमांड बहुत बढ़ गई है उसकी। अगर आपने पूछे देखा हो जब से XRP, अगर मैं आपको रफली बताऊँ, अगर आप पीछे क्रिप्टोस को XRP को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा SEC ने एक 96 पेजेस का रिप्लाई दिया, सॉरी रिप्पल ने SEC को 96 पेजेस का रिप्लाई दिया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि हम XRP को एज अ सिक्योरिटी नहीं ट्रीट करते, ना ही एज ए इन्वेस्टमेंट। XRP टोकन एक क्रिप्टो करेंसी है एंड वो सिक्योरिटी में काउंट नहीं करती। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम सर्ज आया और आप देख सकते हैं 0.43 पे है, एंड अभी रिसेंट अगर मैं आपको इसका इस वन मंथ में हाई तो 0.7448 USD तक गया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है एंड आई एम हैप्पी कि XRP टोकन के ओनर्स के लिए बड़ी बात है, क्योंकि उनका बहुत ही लोगों का यार दिल टूट गया था कि ये टोकन चला जाएगा, बट नहीं, इस टोकन ने अभी भी दिखाया प्रॉमिसिंग इन यस, रिपल बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड अगर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ थी वो मैं अब आपको बताने लगा रहा हूँ कि जो फॉर्मर SEC के एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बोला है कि देर इज़ अ गुड चांस SEC लूजेस लॉ सूट अगेंस्ट रिपल ओवर XRP। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जब से इन्होंने बोला है ना कि एक गुड चांस है कि SEC हार जाएगी लॉ सूट जो उन्होंने रिपल XRP के अगेंस्ट किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, प्राइस सर्ज फिर से देखने को मिला है। एंड आप देख सकते हैं मार्केट कैप 13.04% से अप है, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी 13.04% से अप है और ट्रेड वॉल्यूम 85.86% से अप है। ये ज़रूर नोट करें, मैं भी आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा क्या है एंड आपको बताऊंगा कि आपको अभी अगर आप XRP ओनर हो तो आपको क्या करना चाहिए। आते हैं वापस इस आर्टिकल में, तो उन्होंने ये बोला है, जोसेफ ए हॉल है, उन्होंने बोला है कि गुड चांस है कि जो SEC है वो हार जाएगा। सो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, तो इस न्यूज़ के करके हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक बहुत, मतलब जितने भी नेगेटिव्स थे XRP टोकन के बारे में वो काफ़ी कम हो गए होंगे एंड लोगों फिर से ट्रस्ट आया होगा XRP पे। एंड यस, जिन क्रिप्टो करेंसीज ने उसको डीलिस्ट कर दिया है वो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है रिपल की रिगार्डिंग SEC के थ्रू तो वो शायद इसको रीलिस्ट भी कर लें। हाँ टाइम ज़रूर लगेगा इस चीज़ में, बट हाँ वी कैन से, अगर मैं आपको इसके अबाउट पे लेके जाऊँ तो इस पर सीधी सीधी उन्होंने लिखा है कि 0.44129 USD पे था एंड अब बाय 13.04% था लास्ट 24 आवर्स में। मार्केट कैप रैंकिंग फोर्थ है एंड आप देख सकते हो सर्कुलर सप्लाई दिस एंड दिस। यस्टरडे से 13.48% चेंज है, आज के दिन में 9.47 से अप है, आप देख सकते हो 0. अगर मैं वैसे दिखाऊँ तो 9.44% से अप है, 0.4316 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप, अब मैं आपको बताऊँगा क्या सीन है मार्केट कैप और ये वॉल्यूम वगैरह क्यों इंक्रीज है। बेसिकली सीन ये है कि आपको पता होगा कल ये 0.35 के नियर, अगर मैं आपको इस पे 24 आवर्स 0.38 आप देख सकते हो लास्ट 24 आवर्स में 3839 ऐसे जा रहा था एंड इसका सपोर्ट लेवल था 0.35, ये उससे नीचे नहीं गया। बेसिकली कल क्या हुआ, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी मैंने उनको बोला था कि XRP एक लॉन्ग टर्म कॉइन है, आप इन्वेस्ट करो इस पे अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो। तो यस, जिसने तो भाई इसको कल खरीदा होगा या पहले थोड़े दिन एक दो दिन पहले खरीदा होगा कम प्राइस में, 0.40 से नीचे की प्राइस में खरीदा होगा तो हाई अमाउंट में, तो उन्होंने तो भाई अपना प्रॉफिट इसको सेल आउट ट्रेड करके सेल आउट कर दिया। आप देख सकते हैं 85.86% से जो ट्रेड वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में अप है एंड इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ऑब्वियसली आपको जैसे कि पता ही है, अब जिसने हाई अमाउंट में ट्रेड किया था उससे
उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया होगा एंड बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करना भी शुरू किया होगा। सो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, मेरा उनको यही कहना है, अगर आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हो करो, प्रॉस्पेक्ट ह्यूज है और फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग है। मैं आपको ये ज़रूर बोलूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अभी आप कह सकते हो कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है रिपल कंपनी पे तो इसकी वैल्यू डाउन जा सकती है, जो कि अभी फॉर द टाइम बीइंग जब तक SEC दिमाग लगा रहा है कि हम रिपल को क्या रिप्लाई दें, तब तक तो इसकी वैल्यू सर्च में रहेगी। जैसे कि आपको पता ही है, कल जब फॉर्मर SEC के उन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ गुड चांस कि रिपल जीत जाएगा, तब से पॉजिटिव्स में 0.4 को इसने सरपास किया। एंड तो मेरे नए इन्वेस्टर्स को यही है कि अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो करो, बट येस फॉर लॉन्ग टर्म। इसको मैं कहूँगा नए इन्वेस्टर्स के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा शॉर्ट टर्म में। कल को ये ना होना कि अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो आप इसको सेल आउट कर दो पैनिक में। नहीं, पैनिक नहीं करना, कोई भी अगर बात भी होगी तो नोटिस आएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, इसको बाय करो, बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। ये एक शॉर्ट टर्म, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कॉइन नहीं है। कई केसेस में होता है, जैसे कि अगर मान लो आपने कल 0.38 या 0.39 या तो तब बाय किया था हाई अमाउंट में, मतलब 100-200 कॉइन बाय किए हैं, ये चलो 50 कॉइन भी बाय किए, और अगर आप तब सेल आउट कर रहे हो तब तो भाई वो प्रॉफिटेबल है। बट अगर आपने 1-2 कॉइन बाय किए और आप इसको अभी सेल आउट नहीं, इसको भाई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो तो करके रखो भाई लॉन्ग टर्म के लिए, ये मेरा आपको कहना है। बाकी जैसे कि आपको पता ही है, मेरा हमेशा से कहना है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। हम इस चैनल में लाइव एनालिसिस करते हैं, लाइव आपको मैं सब कुछ न्यूज़ वगैरह देता हूँ, अपडेट्स देता हूँ रोज़, और फिर हम मैं उस पर आपको अपना एक ओपिनियन देता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। सो अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, वेल एंड वेरी गुड, आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मत लगाएं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करता, सब आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी यही सारी न्यूज़ निकल के आई है XRP टोकन के बारे में आज की। बाकी कोई भी रिसेंट अपडेट होती है भाई, झट से वीडियो आएगी चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स का पता चलता रहे। प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, मोटिवेशन मिलती है यार। और यस, कोई भी कॉइन के बारे में जानना है इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मेरे को बताओ आपको कौन से कॉइन का प्राइस एनालिसिस चाहिए और किसकी लेटेस्ट न्यूज़ कवरेज हुई डेली बेसिस पे, वो भी आपके लिए हम करेंगे। और जल्द ही इस चैनल पे कुछ नए बंदे का इंट्रोडक्शन होने वाला है और थोड़ी इंग्लिश न्यूज़ भी आएगी, सो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।